आपके पास, अब आपको कहोगे मैम मैं तो स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं, मुझे टेंशन हो रही है, तो ठीक है आप नहीं पढ़े स्टार्टिंग से, लेकिन अब आपको चीज़ें रियलाइज हो रही है ना, 3 दिन है आपके पास, 5 दिन है। मैं कहती हूँ चाहे सिर्फ 1 दिन भी है, 1 दिन भी पास होने के लिए बहुत होता है अगर आप मतलब एकदम सीरियसली इन चीज़ों को लेके बैठ जाओ और स्मार्टली उन पर काम करना शुरू करो। पेपर देख के थोड़ा सा डर सबको लगता है, नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइसली वहाँ जाके पहले क्वेश्चंस पढ़ो ध्यान से कि आपको कौन से आते हैं, मतलब आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको 3 आते हैं, तो आप उन 2 के बारे में सोचना छोड़ दो जो आपको नहीं आते, आप उन 3 पे फोकस करो। अरे मुझे 3 आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहले मैं इन 3 क्वेश्चंस पे अच्छे से जान डाल के काम करने वाला हूँ। या फिर अभी लेट हो एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, तो आप एक काम कर सकते हो, चैप्टर्स जो आप अपने पढ़ रहे हो उनमें पहले वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, बाकी चीजें रीड कर लो सिर्फ, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल 0 लेवल पे हो। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज अबाउट एग्जाम्स, की एग्जाम्स में कॉन्फिडेंट कैसे रहना है। मतलब इतनी सारी टेंशन रहती है ना हमें, जब हमारी डेट शीट आती है हम देखते हैं फर्स्ट पेपर कब है एंड फिर देखते हैं लास्ट कब खत्म हो रहे हैं एग्जाम से, 15 से 20 दिन निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए, हमें होता है कब ये 15 से 20 दिन हमारे एग्जाम्स के जाएंगे। चीजें टफ नहीं होती बट हम एग्जाम्स का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, जैसे कि कैसे चीजें मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, सिलेबस कैसे होगा, क्या मैं 3 घंटे में पूरा पेपर लिख पाऊंगा कि नहीं, मेरी स्पीड कम है, मतलब बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आने लगती हैं और उसके कारण आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाता है और आपको टेंशन ज्यादा होने लगती है। तो आज इसी प्रॉब्लम से डील करना सीखेंगे कि अगर एग्जाम्स हैं आपके, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। और ये नहीं कि मैं कह रही टेंशन लेना छोड़ दो, एग्जाम्स में टेंशन होना नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है, सबको होती है, मेरे को भी एग्जाम्स देना टेंशन होगी कि मैं पूरा अपना कर पाऊंगी ना परफॉर्म जितना मैंने तैयारी की है, और टेंशन सबको होती है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है उसको भी टेंशन होती है, उसको लगता है मैंने इतना सारा पढ़ लिया, इतना हार्डवर्क कर लिया, क्या मैं एग्जाम में थी आज मैं परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं, जो बिल्कुल 0 लेवल पे उसको टेंशन है कि मेरी री ना आ जाए, पता था उसको पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए था बट नहीं किया किसी भी रीजन से, मन नहीं था, लेकिन एग्जाम के पास आके ऐसे बच्चे को भी टेंशन होने लगती है, नहीं री तो नहीं आनी चाहिए, पेपर तो क्लियर करना ही है। चाहे बच्चा टॉपर हो, चाहे 0 लेवल पे हो, चाहे एवरेज, सबको एग्जाम्स की थोड़ी वो टेंशन रहती है। इस टेंशन से कैसे डील करना है वो मैं आपको आज चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। सब कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, पर पॉजिटिव रहेंगे कैसे, पॉजिटिव कहने से चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, हम पॉजिटिव बनाएंगे वो कैसे, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप ध्यान से सोचो ना, आपको टेंशन एग्जाम्स की है ही नहीं, किसी भी बच्चे को टेंशन एग्जाम की नहीं, टेंशन आपको रिजल्ट की है कि मैं क्लियर होऊंगा कि नहीं, मेरी री तो नहीं आ जाएगी, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, आपको टेंशन रिजल्ट्स की है ना कि एग्जाम्स की। तो रिजल्ट्स की टेंशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है, आप जो आज कर रहे हो उसी पे रिजल्ट डिपेंड करता है, ऐसा जो उसका टेंशन लेके अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास 3 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे चीजें आपको काम करनी है ना कि रिजल्ट्स पे। अगर हम रिजल्ट्स की टेंशन लेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब टेंशन हो जाए कि इस वीडियो पे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इस पे कितने व्यूज आएंगे, या फिर मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, अपना कंटेंट क्रिएट करने में टाइम नहीं लगा रही, मैं वेस्ट कर रही हूँ टाइम सिर्फ सोचे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, कितने व्यूज होंगे, तो कितना बड़ा मैं अपना लॉस कर रही हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना आपका रिजल्ट क्या होगा, आपको अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट जो भी हो अगर हम अपना बेस्ट देते हुए आ रहे हैं हमारे रिजल्ट में हमें सेटिस्फेक्शन होगी, मैंने अपना बेस्ट दे दिया था, ठीक है जो रिजल्ट आएगा मैं देख लूंगा। आपके पास अब आपको कहोगे मैम मैं तो स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं, मुझे टेंशन हो रही है, तो ठीक है आप नहीं पढ़े स्टार्टिंग से, लेकिन अब आपको चीजें रियलाइज हो रही है ना, 3 दिन है आपके पास, 5 दिन है। मैं कहती हूँ चाहे सिर्फ 1 दिन भी है, 1 दिन भी पास होने के लिए बहुत होता है अगर आप मतलब एकदम सीरियसली इन चीजों को लेके बैठ जाओ और स्मार्टली उन पर काम करना शुरू कर दो, चैप्टर सिलेक्शन, अपने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ रहे हो, उनको रट्टा नहीं लगा रहे, उनके पॉइंट्स अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे हो तो आपके लिए 1 दिन भी बहुत है कि आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि 1 दिन में पढ़ के आप पूरा अच्छे मार्क्स फुल मार्क्स ले जाओगे, बट एटलीस्ट आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर 1 दिन भी अच्छे से शिद्दत से आप चीजें पढ़ लो। तो अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, अपना बेस्ट देना है आज के दिन जो टाइम आपके पास है, ना कि उस टाइम के बारे में सोचना जो आपने वेस्ट कर दिया, या फिर जो टाइम आप नहीं पढ़ पाए वो टाइम जा चुके हैं, ना उसके बारे में सोचना है जो जा चुके हैं, और ना रिजल्ट्स के बारे में सोचना है जो आने वाला है। एट प्रेजेंट एट मोमेंट जो आपके पास है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, वो है टाइम, अपने बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर दो, कुछ नहीं सोचना एक फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहे हो तेरा कितना हो गया, दूसरे फ्रेंड से कॉल करके पूछ रहे हो कितना हो गया, ये टोटली टाइम वेस्टेड चीजें, हटा दो, फोन को साइड पर रख दो,
एक दिन भी अच्छे से आप सारी चीजें पढ़ रहे हो तो एग्जाम में री नहीं आएगी, ये पक्का श्योरिटी है। तो रिजल्ट्स की टेंशन छोड़ के जो आपके पास है उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दो, वो है टाइम। अच्छे से चीजें अपनी पढ़नी स्टार्ट कर दो। अगर आपने स्ट्रैटेजीज देखी है, टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन यस, पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है, क्लियर करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। आज एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, नेक्स्ट सेम में क्लियर कर रहे होगे री का पेपर लेके। तो जब क्लियर करना ही है तो क्यों टाइमली ना कर लें, अभी ना कर लें क्लियर, अभी पढ़ के एग्जाम्स क्लियर कर लो। जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, वो फोन भी हो सकता है, वो आपकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, उनको साइड पर रख के सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो, चीजें इजीली हो जाएंगी। कोई भी डर वाली बात ही नहीं है, डर के कुछ हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार रिजल्ट्स के डर को साइड पे रख के सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो, बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी। नंबर टू, जब भी हम कोई काम कर रहे होते ना, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे दूसरे की टेंशन है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे तीसरे की टेंशन है, अरे ये पेपर तो ईजी है, नेक्स्ट वाले की भी टेंशन लेके बैठे हो, नहीं, एक टाइम पे एक चीज को टारगेट करना है, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट से डील करना है। किसी तरह ये मैं सब्जेक्ट अच्छे से कर लूं, इस अगले सब्जेक्ट को मैं अगले पेपर में देख लूंगा, ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लूं, नेक्स्ट सब्जेक्ट को नेक्स्ट पेपर में देख लूंगा। आप एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन लेके बैठे हो, ऐसा नहीं करना। जो टारगेट अभी आपके सामने है उसको कैसे अच्छे से आपने काम करना है उसके लिए वो चीजें सोचो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टारगेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, जब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं अभी के लिए तो मुझे बस एक एग्जाम को देखना है, बाकी बाद में देख लूंगा, इस एग्जाम को मैं अच्छे से करने वाला हूं। एक टफ एग्जाम की टेंशन में बाकी एग्जाम्स भी खराब कर रहे हो, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक टाइम पे एक एग्जाम पे अपना फोकस रखो। नेक्स्ट चीज, आपको अपने आप से चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी कि मेरे को तो 80% लाने चाहिए, मुझे 70% लाने चाहिए, मुझे 90% लाने हैं। आपको ये चीजें देखनी है कि मुझे कितना आज मैक्सिमम पढ़ सकता हूं, कितना टाइम यूटिलाइज कर सकता हूं। रिजल्ट पे फिर से मैं कह रही हूं, नहीं आना, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखना है। अपने आप को इतना बिजी कर दो पढ़ने में कि आपको रिजल्ट्स की, आपको एक्सपेक्ट करने का टाइम ही ना मिले कि मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए। बस आपको टाइम होना चाहिए सिर्फ ये सोचने का कि मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करना है, मुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, मुझे PYQs लगाने हैं, मुझे चैप्टर सिलेक्शन आनी चाहिए। ये सारी चीजों पे आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर आप चैप्टर अच्छे से सिलेक्ट कर रहे हो, यूनिट वाइज प्रॉपरली देख रहे हो, जैसे मैंने मैथ्स का तो बताया, MD स्टूडेंट्स का BBA BCA की भी वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। अगर आप ऐसे जैसे मैं चैप्टर सिलेक्ट करके दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपके 8 चैप्टर्स हैं, मैं सिर्फ आपको 5 चैप्टर्स करने को बोल रही हूँ, वो 5 चैप्टर से भी आप फुल मार्क्स ले सकते हो। ऐसे आप वाइजली अगर हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स चूज करके अपना पढ़ना स्टार्ट करते हो तो री तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। आपको सिर्फ अच्छे से चीजें हैंडल करनी है, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। नाउ नेक्स्ट चीज आती है कि ठीक है, अब हो गया, मैंने पढ़ भी लिया, फिर भी एग्जाम में जाके ना मुझे टेंशन होती है, पेपर देख के मुझे डर लग जाता है। पेपर देख के डर सबको लगता है, आपको नहीं, सबको लगता है, हर बच्चे को, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी उसको भी, और जो जीरो लेवल पे है उसको भी लगता है। द थिंग इज, थोड़ा सा डरना भी जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा डर के रहते हैं तो हम चीजें बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं एग्जाम में, बिल्कुल बिंदास होने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो आराम से अच्छे से पेपर कर लूंगा। कई बार पेपर आया होता है और हम केयरलेस होते हैं, मतलब पेपर तो ऐसा आया, क्वेश्चन पेपर जो हमें आता होता है, लेकिन हम बहुत केयरलेस होकर उसको अटेम्प्ट करते हैं और हम बहुत जगह अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा तो डर होना चाहिए एग्जाम पेपर को देख के कि आप केयरफुली चीजों को हैंडल करो, पर इतना डर भी नहीं कि आप पे हावी हो जाए और आप आती हुई चीजें भी, जो आपको चीजें आती हैं एग्जाम में, वो भी ना लिख पाओ, ऐसा आपको नहीं करना। पेपर देख के थोड़ा सा डर सबको लगता है, नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइसली वहां जाके पहले क्वेश्चंस पढ़ो ध्यान से कि आपको कौन से आते हैं। मान लो आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको 3 आते हैं, तो आप उन 2 के बारे में सोचना छोड़ दो जो आपको नहीं आते, आप उन 3 पे फोकस करो। अरे मुझे 3 आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहले मैं इन 3 क्वेश्चंस पे अच्छे से जान डाल के काम करने वाला हूं, फिर जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं कैसे करके मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। इन 3 क्वेश्चंस के मार्क्स तो मेरे हैं ही हैं, बाकी 2 एक्स्ट्रा मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, जितने मिल गए ठीक है। यहां पे क्या हो गया, आपको 2 क्वेश्चंस जो नहीं आते थे उसके डर के कारण आपने अपने 3 क्वेश्चंस खराब नहीं किए, बिल्कुल इस टाइम आपने 3 घंटे पॉजिटिव रहना है। अगर मुझे 5 में से 3 क्वेश्चंस भी आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मैं 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने वाला हूं, बाकी 2 पे मुझे जितना एफर्ट्स है, जितना मुझे आता है, जितना मैं लगा सकता हूं, एक्स्ट्रा मार्क्स ये मेरे मिल जाएंगे। अब आप बाहर आके अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, आपको पता है 3 क्वेश्चंस ही मुझे आते थे और 2 मैंने ऐसे किए, तो 80 में 75-50 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, मेरे लिए इनफ है और यहां पे आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो अब अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपके 80 out of 80 भी आ सकते हैं। तो ऐसे आप चीजें अच्छे से हैंडल कर सकते हो, डरने से कुछ नहीं होने वाला। और रही बात स्पीड का इशू कि मैं हमारी स्पीड नहीं है, तो इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि आप थ्योरी के पेपर में कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो और मैथ्स के पेपर में कैसे अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो, इसके लिए मैं अलग पूरी डिस्कशन डाल दूंगी। 1-2 दिन में वो वीडियो भी मिल जाएगी आपके एग्जाम से पहले पहले। लेकिन ये चीजें माइंड में रखो, कोई शॉर्टकट नहीं है हार्डवर्क का, आपको पढ़ना ही है। स्मार्टली काम करोगे तो ईजिली चीजें हो जाएंगी। मैं आपको पहले भी बहुत बार चीजें बता चुकी हूँ, दैट इज हमारा राइट हैंड जो है ना,
दैट इज अ हार्ड वर्क. जो हम हार्ड वर्क करते हैं वो राइट हैंड की तरह है कि राइट हैंड के बिना हमारा काम नहीं हो सकता. बट अगर कुछ हैवी उठाना हो और जरा सा हाथ हमारा लेफ्ट हैंड का लग जाए तो वो चीज उठानी ईजी हो जाती है. ये लेफ्ट हैंड हमारा स्मार्ट वर्क है. क्लियर हुई चीज? हार्ड वर्क इज राइट हैंड एंड स्मार्ट वर्क इज लेफ्ट हैंड. हम एक हाथ से चीज उठाएंगे दैट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन जरा सा लेफ्ट हैंड लग जाए तो वो चीज उठानी हमारे लिए ईजी हो जाती है. तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क चाहिए. तो अपने चैप्टर्स वाइजली चूज करके अपना पढ़ना स्टार्ट करो. टेंशन मत लो, सब बच्चे पेपर दे रहे हैं. 12th तक आपने दिए हैं और आपके साथ यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, सब इसी मतलब एटमॉस्फेयर से जा रहे हैं. सबके साथ यही चीजें हो रही हैं, तो समझो सबके साथ ऐसा ही हो रहा है. बस मुझे अब जो मेरे पास अगर कुछ आधा दिन भी बचा है ना, अभी उस आधे दिन में भी कल के एग्जाम्स के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर दो. ये नहीं मैं कह रही अब आपको एकदम सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अपना एक भी मिनट वेस्ट मत करो जो आपके पास टाइम है. अगर आपके पास बिल्कुल लास्ट मोमेंट 3-4 घंटे बचे और एग्जाम है आपका, तो अपने PYQs बैठ के रिवाइज करो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम से 6-7 घंटे पहले आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने शुरू कर दो. आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी चीजें. जैसे मान लो कल मेरा एग्जाम है, तो आज सुबह तक मेरा एक बार सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए. आज सारा दिन मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर रही होंगी, ऐसा आपका होना चाहिए. लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं कुछ चीजें करी या फिर अभी लेट हो एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, तो आप एक काम कर सकते हो, चैप्टर्स जो आप अपने पढ़ रहे हो उनमें पहले वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, बाकी चीजें रीड कर लो सिर्फ. अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो और चैप्टर वाइज चीजें उठा रहे हो, तो उन चैप्टर्स में भी पहले वो क्वेश्चंस उठा लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको बहुत ईजिली आप चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप पेपर अच्छे से नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर पाओगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको हेल्प मिलेगी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. हर बच्चे के साथ यही हो रही है चीजें. हम 15-20 दिन में अच्छे से निकाल देंगे. कॉन्फिडेंस अपना रहेगा, डरने की कोई बात नहीं है. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स.